तो भाई नॉर्थ गोवा के फेमस दीवार आइलैंड, फाउंटेन स्ट्रीट, अरम्बोल बीच, मैंट्रम बीच, पैरा रोड, बागा बीच जैसी दी मोस्ट फेमस जगह एक्सप्लोर करने के बाद हमने अपनी कश्ती कुछ ऐसे ब्यूटीफुल जगहों की तरफ मोड़ दी जो शायद ही आपने देखी होगी या फिर सुनी होगी। वैसे मैं अगोड़ा फोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे भी स्पेशल, समथिंग यू प्रोबेबली हैवंट सीन बिफोर। एंड आई प्रॉमिस ये वीडियो देखने के बाद आप जब भी गोवा जाओगे तो ये पॉइंट मिस करना नहीं चाहोगे। What's up everybody, this is Sagar Kamda and welcome back to yet another video of our channel from the Goa series। तो आज का हमारा first location है अगोड़ा फोर्ट, जो मेरे स्टे से कुछ 10 किलोमीटर दूर ही है। तो अगोड़ा फोर्ट के लिए आने के बाद हमें पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ी, तो हमने टिकट कलेक्ट कर लिया। लोगों ने टिकट दे दिया है, टिकट लेने के बाद अभी किले के ऊपर जा रहे हैं। अगोड़ा मतलब पानी इन पोर्तुगीज लैंग्वेज। कहते हैं ये पोर्तुगीज फोर्ट पहले के ज़माने में फ्रेश वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ होता था और इसी की वजह से इस फोर्ट को नाम मिला अगोड़ा फोर्ट। फर्स्ट लुक में फोर्ट पे एक 19th सेंचुरी में बना हुआ 4 मंजिला लाइट हाउस दिखेगा जो फिलहाल बंद है। फोर्ट का एक साइड पूरा सी फेसिंग है जहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर लगता है। और ये किला थोड़ा फेमस होने के कारण यहाँ पे भीड़ ज़्यादा है, टूरिस्ट लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो भाई चढ़ती धूप और बढ़ती गर्मी देखते हुए हमने फटाफट लगाया एक चक्कर इस फोर्ट का। तो अगोड़ा फोर्ट अभी हो गया है, तो जैसे कि हर एक अपने महाराष्ट्र में भी फोर्ट की जो हालत है वैसा ही कुछ होगा कुछ दिनों पहले यहाँ पे, लेकिन पुरातत्व खातों के लोगों ने इसको अच्छे से मेंटेन किया हुआ। बट द प्रॉब्लम इज़ दे हैव डन इट ओवर, मतलब थोड़ा ऐसा लग रहा है न्यू एज स्ट्रक्चर है जो ओल्ड स्टाइल में बनाया हुआ है। तो या दैट्स वॉट अबाउट दिस फोर्ट। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो लोअर फोर्ट अगोड़ा है एंड दिस इज रियली ब्यूटीफुल, सच में ब्यूटीफुल है। लुक एट दिस, और यहीं से बीच शुरू होता है। यहाँ पे समुद्र के किनारे एक बुरुज है जो देखने में काफी सीनिक लगता है, जहाँ पे जाके आप आजू बाजू के नज़ारे एंजॉय कर सकते हो। वैसे ये एरिया सिंक्वेरियम फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ की एक चीज मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे वो बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब ज़्यादा क्राउडेड नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ऑन दिस साइड। इधर तो क्राउड बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिस साइड इज़ रियली नाइस। और यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो दैट्स वन थिंग ऑफ इट। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम निकले आगे और एक्सप्लोर करने के लिए। तो भाई साहब वी आर जस्ट वॉकिंग ऑन दिस वॉल, ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को डर भी लग रहा है फिर भी मैं कर रहा हूँ डर डर के। यहाँ पे ना ऐसा पानी उछलता है। Look at this beautiful stones. तो लोअर अगोड़ा फोर्ट पे आए थे और यहाँ से जो आप पेड़ पीछे के नज़ारे दिख रहे होंगे, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ लोअर अगोड़ा फोर्ट। बहुत सुंदर लग रहा है ये, क्या बोलते हो आप, कैसा लग रहा है? और अभी हम जा रहे हैं लोअर अगोड़ा फोर्ट के दूसरे एरिया में, यहाँ से हाइक करके, थोड़ा छोटा सा हाइक है ये जगह से। सच बताऊँ इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट स्टिल ये अच्छा हो रहा है। और जो हमारा ट्रैक है वो ऐसे छोटे छोटे रास्तों से हम लोग जा रहे हैं आगे। अब यहाँ पे लोग नहीं है तो हम मास्क भी निकाल सकते हैं। वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो रहा है, यहाँ पे हम ट्रैक करके पहाड़ पे जा रहे हैं,
गढ़ पे जा रहे हैं, लोअर अगोड़ा फोर्ट। भाई अननोन जगह पे ट्रिक के लिए आए तो कोई तो सच ही है। तो ये भाई अपना साथ दे रहा है। अरे भाई चल आगे बता और कहाँ रास्ता है। अच्छा आ गया, हमें गाइड करने वाला है कहाँ जाना है कैसे जाना है। नीचे क्यों जाना है, उधर जाके आते ना पहले। नीचे जाना है क्या, तो आते वक्त जाते हैं ना बस वहाँ। ठीक है तुम रुको यहाँ पे, नहीं तो मैं देख के आता हूँ। तो ये सब हो रहा है ऑन पॉइंट, मतलब तब भी डिसाइड होने हो रहा है कि क्या करना है और हम लोग निकल पड़ रहे हैं। और ये मेरा पहला कोस्टल एरिया के बाजू में, मतलब इधर समंदर है इधर पर्वत और पर्वत पे मेरा ट्रैक चल रहा है। तो भाई साहब डेविल्स फिंगर के लिए जो हमारा ट्रैक था वो कंटिन्यू चल ही रहा है, और ट्रैक के बीच में से पेड़ों के बीच में से भी छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं। एंड लुक एट द डेविल्स फिंगर, यू बोलते बिकॉज दैट लुक्स लाइक लिटरली अ ह्यूज फिंगर। भाई साहब अभी सीन क्या होता ना, मैंने ड्रोन उड़ाया था और मेरे को ड्रोन मिल नहीं रहा था, मतलब हवा में चला गया, बैटरी लो हो गया और हमारी फट गई। समहाउ आई कॉल इट बैक, आई वाज लकी इनफ। एक साइड में डेविल फिंगर और एक साइड में केव। तो फर्स्ट हम लोग केव जा रहे हैं जिसके लिए ये रास्ता है। Look at this view, man. This is really amazing. मतलब मेरे को देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है। It's looking really, really, really nice. और फिलहाल हम तीन ही लोग हैं यहाँ पे, मैं और कार्तिक भाई, दिख रहे होंगे आपको वहाँ से। तो ये जो केव है ये थोड़ी abandoned टाइप्स है, ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है they don't want to trek. भाई वैकेशन पे आए तो ट्रैक क्या करना है, बट मुझे पसंद है तो इसीलिए आई हैव केम हियर। मैं मेरे साथ वाले जो लाइक माइंडेड गाइज हैं उनके साथ मैं आया, एंड लेट मी गिव यू द ग्लिम्स ऑफ इट। एंड ये है केव, राइट। तो अभी हम कवरती केव में पहुंच चुके हैं, और कवरती केव से एक साइड में आता है पूरा समंदर, एक साइड में आता है कोस्टल जहाँ पे सैंड नहीं है, पत्थर है। और ये कुछ केव है जो आप देख सकते हो, दिस इज रियली ब्यूटीफुल। डेविल फिंगर है वहाँ पे, रियली हैप्पी अबाउट दिस। मैं यहाँ तक आया, इतना ट्रैक किया, तो अभी यहाँ से चलते हैं, डेविल फिंगर देखते हैं और निकलते हैं।
डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये ड्रोन वाले शॉट्स कैसे लगे। डेविल्स फिगर डन और केव भी डन हो गया। केव और कितने दूर लगेगा? यहाँ से नीचे जाओ, नीचे गए तो वहाँ पे मिल जाएगा। सीन कैसा? बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त है। बस थोड़ा जल्दी करना क्योंकि अभी हाई टाइड पानी आना शुरू हो जाएगा। दिस इज गेटिंग रियली अमेजिंग। कुछ ही लोग यहाँ पे एफर्ट करके आते हैं बट आई एम श्योर इट्स वर्थ सीइंग दोज केव्स, दोज नहीं दैट केव्स, बट ट्रिक इज रियली गुड। थक तो गया है, खाना नहीं खाया अभी तक, सवेरे का था जो ही वही है। नाउ वी कैन ट्रीट आवर सेल्फ विद गुड फूड। अगर आपको वहाँ पे लोग दिख रहे होंगे तो दैट्स केव फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस। तो यस, आज का अपना मिशन हो गया अकम्पनिश्ड एंड विद दिस ऑसम व्यू वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको ये जगह, ये आज के चारों पॉइंट कैसे लगे। इफ़ यू लाइक इट डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिसके साथ आप यहाँ पे आना पसंद करोगे, एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया होगा तो, है ना। अब मैं जाता हूँ वापस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल भी ऐसा ही कुछ करने वाले हम लोग, तो नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर आइएगा। बाय 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 फ्रॉम द माउंटेन एंड द सी। सनसेट देखे बिना जाना बुरा लग रहा है बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस।